जय हिंद दोस्तों, आज 9 जुलाई है और आज मीरा भाईंदर में 185 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, 2 की दुखद मृत्यु रिपोर्ट हुई है, वहीं 160 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिकवर भी हुए हैं। तो दोस्तों, मीरा भाईंदर का रिकवरी रेट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है और पिछले 10-15 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट है। मैं पहले की बात करूँ तो इतने ज़्यादा पेशेंट्स रोज़ाना रिकवर नहीं होते थे, अगर मैं मई महीने की बात करूँ, जून के स्टार्टिंग की बात करूँ तो। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिनों से रोज़ाना 100 से ज़्यादा पेशेंट्स रिकवरी हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि मीरा भाईंदर में अब तक कुल 4,993 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी करीब 5,000 के आसपास, जिसमें से 3,629 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, 178 की दुखद मृत्यु हो चुकी है, यानी मीरा भाईंदर में अभी 1,186 कोरोना एक्टिव पेशेंट्स है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा फुल लॉकडाउन के एक्सटेंशन का कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, तो आप किसी भी मैसेज पर ध्यान ना दें, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है कि फुल लॉकडाउन एक्सटेंड होगा कि नहीं। कल शाम तक जरूर आ जाएगा, तो उस पर भी हम एक न्यूज जरूर बनाएंगे। आज मैंने एक ओपिनियन किया था कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका को एंटीजन टेस्टिंग किट मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए उपलब्ध करवानी चाहिए कि नहीं, तो करीबन 97% लोगों का यही मानना है कि मीरा भाईंदर में एंटीजन टेस्टिंग किट उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि मीरा भाईंदर के नागरिकों के अब तक कुल 15,045 स्वैब टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 4,993 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 9,321 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 731 की रिपोर्ट आना बाकी है। दोस्तों, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि मीरा भाईंदर में फुल लॉकडाउन के बढ़ाए जाने का कोई भी ऑर्डर मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से नहीं आया है। अगर आएगा तो हम उसकी अपडेट आपको ज़रूर दे देंगे। अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, सभी को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।